Hello dear students, welcome back. Today we will discuss about another important topic of phonetics, that is the syllable. आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यदि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया, बल्कि मैं कहूँगा कि 100% समझ आएगा, तो आने वाले जो टॉपिक्स हैं, स्ट्रेस है, इंटोनेशन है, वो आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाएंगे. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. इसका प्रोनंसिएशन है सिलेबल. सो सिलेबल क्या है? एनी ऑफ द यूनिट इनटू व्हिच अ वर्ड इज डिवाइडेड कंटेनिंग ए वाउल एंड वन और मोर देन कॉन्सनेंट साउंड्स. ये डेफिनेशन है ऑक्सफर्ड के मुताबिक, यानी कि एक ऐसी यूनिट जिसके अंदर वर्ड्स को डिवाइड कर दिया जाता है एक वाउल साउंड में और एक या एक से अधिक कॉन्सनेंट साउंड्स में. दूसरी डेफिनेशन के मुताबिक इट इज द यूनिट नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ फनीम. फनीम से एक हायर लेवल की यूनिट होती है. अब फनीम क्या होते हैं? इंग्लिश में जो 44 साउंड्स हैं वो सारे फनीम्स होते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड. जैसे कि अगर हम कहें फैट, इसके अंदर फ, अ एंड ट, देर आर थ्री फोनीम्स इन इट. तीन फोनीम्स हैं फ, अ और ट. लेकिन यदि हम सिलेबल के बारे में बात करें तो इसके अंदर एक ही सिलेबल होगा. अब इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं कि कैसे हम जो सिलेबल हैं वर्ड के अंदर पहचाने कि कितने सिलेबल्स हैं. अब इसमें होता क्या है, जो पफ ऑफ एयर, जो एयर हमारे लंग्स से बाहर निकलती है, जो एयर वो कांस्टेंट प्रेशर के साथ नहीं निकलती, स्मॉल पफ ऑफ एयर के साथ निकलती है. सो एक पफ ऑफ एयर जो है, वन पफ ऑफ एयर प्रोड्यूसेस वन सिलेबल. सपोज करो जैसे कि मैं वर्ड बोलता हूँ वो मन. पहले मैंने बोला वो, एक पफ ऑफ एयर निकला, एक सिलेबल मन, सेकेंड सिलेबल, तो उस वुमन के अंदर दो हमारे सिलेबल हो चुके. लेकिन इसका एक और तरीका है कि जितनी बार हमारे ऑर्गन्स ऑफ स्पीच मूवमेंट करें उतने ही सिलेबल्स होते हैं. तीसरा सबसे आसान, ऑथेंटिक और बढ़िया तरीका क्या है कि नंबर ऑफ वाउल साउंड्स इज नंबर ऑफ सिलेबल्स. ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वर्ड के अंदर जितनी वाउल साउंड्स होंगी उतने ही सिलेबल्स होंगे. कैसे? हम इन कुछ एग्जांपल्स की मदद से सीखते हैं. जैसे कि हमारा वर्ड है पहला मैट. अक्सर स्टूडेंट्स गलती क्या कर देते हैं कि जो स्पेलिंग्स हैं ए ई आई ओ यू उनको काउंट कर लेते हैं, उन्हें सिलेबल कह देते हैं. लेकिन मैंने कहा है कि वाउल साउंड्स, उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो वर्ड है उसका आप फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कर लें. फिर फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद जो वाउल के जो सिंबल्स हैं उन्हें काउंट कर लें, वो आपके सिलेबल्स होंगे. जैसे इसमें मैट का मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, कंसोनेंट वाउल और कंसोनेंट, तो एक वाउल आया है अ, सो इसमें एक हमारा सिलेबल हो गया. सेकंड वुमन, उ और अ, दो वाउल साउंड्स हैं, दो कंसोनेंट्स. एवरी डे में अ ई और ए, देर आर थ्री सिलेबल्स. एग्जामिनी, इग, ई, अ, ई और अनदर ई, फोर सिलेबल्स. एग्जामिनेशन, इग ज मी ने शन, सो ई, अ, ई, ए और श, फाइव सिलेबल्स. और कैरेक्टराइजेशन, सिक्स, सो अ, ई, अ, आई, ए और अ, सिक्स सिलेबल्स. सो आप जब ध्यान से जब आप बोलते हैं तो भी आपको पता चल जाएगा कि कितने सिलेबल्स हैं. मैं फिर से बोलता हूँ एक वर्ड, going, going, go में एक सिलेबल, ing सेकेंड सिलेबल, दो सिलेबल हमारे हो गए. अब बात करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ सिलेबल. सिलेबल का स्ट्रक्चर का क्या मीनिंग है, क्या होता है? सिलेबल के स्ट्रक्चर में दो मेन एलिमेंट्स होते हैं. एक तो होता है वाउल, एक वाउल, और एक या एक से ज़्यादा होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट्स. इस चीज़ के ऊपर फिर से आप ध्यान रखें, सिलेबल
जो होगा उसके अंदर वाउल का होना बहुत ज़रूरी है। अगर वाउल नहीं होगा तो हम सिलेबल की कल्पना नहीं कर सकते। कंसोनेंट एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन वाउल एक ही होगा। और कंसोनेंट यदि स्टार्टिंग में आए तो उन्हें बोलते हैं रिलीजिंग कंसोनेंट, और लास्ट में आए तो उन्हें बोलेंगे अरेस्टिंग कंसोनेंट्स। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ सिलेबल, सिलेबल्स के कितने टाइप्स होते हैं, यानी कि पहले कंसोनेंट आ सकता है, फिर वाउल आ सकता है, कंसोनेंट आ सकता है, कंसोनेंट पहले आ सकता है, लास्ट में आ सकता है, ऐसे ही वाउल आ सकता है। तो जैसे कि फैट वर्ड है, इसमें पहले फ कंसोनेंट, अ वाउल और ट कंसोनेंट। सी स्टैंड्स फॉर कंसोनेंट एंड वी स्टैंड्स फॉर वाउल। सी का मतलब यहाँ पर कंसोनेंट है और वी का मतलब है वाउल। सो यहाँ पर सिंगल सिलेबिक हो गया। अब पहले एक वाउल भी आ सकता है और कंसोनेंट भी आ सकता है, जैसे कि आइस है, आई, वी वाउल और में कंसोनेंट, पहले कंसोनेंट और वाउल। गाउ कंसोनेंट, आउ वाउल, यानी कि डिफथोंग अकेला जो है वाउल भी हो सकता है, अपने आप में कंप्लीट एक सिलेबल है, जैसे कि आई, इसमें केवल वाउल है। सो इनमें सभी में एक ही कंसोनेंट आया है। जो इससे आगे 5 से लेकर जो 16 हैं उसके अंदर कंसोनेंट क्लस्टर्स हैं। कंसोनेंट क्लस्टर्स क्या होते हैं, जैसे कि नाम कंसोनेंट क्लस्टर्स का मतलब है समूह। जब कंसोनेंट एक साथ आते हैं वो कंसोनेंट क्लस्टर्स कहते हैं। बिगिनिंग में, इंग्लिश में वर्ड के शुरुआत में ज़्यादा से ज़्यादा 3 कंसोनेंट आ सकते हैं और लास्ट में 4 कंसोनेंट्स आ सकते हैं। नेक्स्ट है कंसोनेंट, कंसोनेंट और वाउल। जैसे कि ट्राई है, कंसोनेंट र, कंसोनेंट आई, वाउल। स्ट्रे, स, कंसोनेंट, कंसोनेंट, कंसोनेंट और वाउल। सी, 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 3 बार सी, फिर वाउल और फिर कंसोनेंट। जैसे कि स्ट्रीट, कंसोनेंट, 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 वाउल और कंसोनेंट। नेक्स्ट 3 बार कंसोनेंट, वाउल और कंसोनेंट्स। जैसे कि वर्ड है स्ट्रेंज, कंसोनेंट, 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 वाउल, कंसोनेंट और कंसोनेंट। नेक्स्ट 3 पहले कंसोनेंट, 3 बाद में कंसोनेंट, बीच में हमारा वाउल। जैसे कि स्ट्रेंथ, कंसोनेंट, 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 वाउल, कंसोनेंट, कंसोनेंट। नेक्स्ट है एंड्स, वाउल, कंसोनेंट, 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 पहले कंसोनेंट है, फिर वाउल और 4 टाइम्स हमारा कंसोनेंट भी आ सकता है। जैसे कि सैंपल्स, इस चीज़ को ध्यान रखें, हम सैंपल बोलते हैं अमेरिकन एक्सेंट के मुताबिक, ये सैंपल, ब्रिटिश जो आरपी साउंड से इंग्लिश की उसके मुताबिक है सैंपल। सो इसमें क्या है हमारा कंसोनेंट, वाउल, कंसोनेंट, कंसोनेंट, कंसोनेंट और कंसोनेंट, म, प, ल और स, 4 कंसोनेंट्स। नेक्स्ट है कंसोनेंट, कंसोनेंट, वाउल और 3 टाइम्स कंसोनेंट। ब्रेंड्स, कंसोनेंट, कंसोनेंट, वाउल, कंसोनेंट, कंसोनेंट और कंसोनेंट। नेक्स्ट 2 टाइम्स कंसोनेंट, फिर वाउल और 4 टाइम्स कंसोनेंट्स। ट्वेल्थ कंसोनेंट, कंसोनेंट, वाउल, कंसोनेंट और कंसोनेंट्स और एंड अनदर कंसोनेंट्स। 2 टाइम्स कंसोनेंट्स देन वाउल एंड कंसोनेंट्स। ग्रैंड कंसोनेंट, कंसोनेंट, वाउल, कंसोनेंट, 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 वाउल, कंसोनेंट, कंसोनेंट एंड वाउल, कंसोनेंट और कंसोनेंट्स। सो ये तो हो गए हमारे टाइप्स ऑफ सिलेबल्स। इस ढंग से सिलेबल्स आ सकते हैं। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो होता है सिलेबिक कंसोनेंट्स। सिलेबिक कंसोनेंट्स देयर आर 3 फोनिम्स, या फिर देर आर 3 कॉन्सोनेंट दैट आर कॉल्ड सिलेबिक कॉन्सोनेंट। इन्हें सिलेबिक कॉन्सोनेंट्स क्यों कहा जाता है, यानी कि ये तीनों जो हैं ल, म और न कॉन्सोनेंट हैं लेकिन इन्हें सिलेबिक कहा गया है। और सिलेबिक क्या होता है, जिसके अंदर वाउल हो। अब इसके अंदर वाउल्स तो नहीं है, अब ध्यान से समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अब मैंने वर्ड लिया बटन, अब एक तो हो गया बट और एक टन, इसमें कंसोनेंट, वाउल, कंसोनेंट, एक है टन, कंसोनेंट, वाउल और कंसोनेंट, लेकिन इसका ट्रांसक्रिप्शन हम लिखेंगे ऐसे बटन, बटन। सो इसके अंदर हमारा जो एक ही सिलेबल हुआ, सॉरी इसके अंदर हमारे 2 सिलेबल हुए, एक तो ये हो गया हमारा वाउल साउंड, कंसोनेंट, वाउल, कंसोनेंट और वाउल। अब न जो है वाउल कैसे हुआ, अब यहाँ पर
जो स्व साउंड होती है। अब टन, अब जैसे कि हमने लिखा ट अ न, सिंपल लैंग्वेज में मैं बताता हूँ कि सिलेबिक कॉन्सोनेंट क्या होता है। जब दो, एक वाउल और एक कॉन्सोनेंट मर्ज हो जाते हैं और एक बन जाता है तो उसे कॉन्सोनेंट, सिलेबिक कॉन्सोनेंट बोलते हैं। होता क्या है कि वाउल्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस होते हैं, वो सेंट्रल पार्ट होते हैं, वो राज करते हैं, लेकिन कॉन्सोनेंट जब न्यूक्लियस पार्ट का रोल अदा करें, कॉन्सोनेंट भी न्यूक्लियस का रोल अदा करते हैं, तब वो साउंड जो है, वो सिलेबल जो है, वो हमारा सिलेबिक कॉन्सोनेंट होता है। ऐसा ही जो है मै में होता है। अगर जैसे बोले परिज्म, एक कंडीशन है जो ल में और न फाइनल पोजीशन पर ये तीनों आने चाहिए। और जैसे कि एबल, अब एबल है, एबल वाउल कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट और वाउल, ल को ब और ल के बीच में स्व साउंड है, इसलिए ल को हम कॉन्सोनेंट बोलेंगे, सॉरी वाउल बोलेंगे, इसलिए हमारे ये दो इसमें सिलेबल हो गए। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।